गलत करेंगे ऊपर वाला बस, 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 हमको नहीं। धारावी का फेमस नाला, ये देखो भाई कितना खतरनाक, इतनी पॉलिथीन, इतना पॉल्यूशन, और यहाँ से इतने मच्छर पनपते ना। हमको वीडियो चाहिए, ले लो, हम मुसीबत में नहीं फंसना चाहिए। और ऐसा इतना छोटा सा घर है, भाई कैसे है, आ सकता हूँ मैं थोड़ा सा? भाई चलते चलते थक जाओगे, लेकिन इन गलियों को नहीं घूम पाओगे आप, खोज से जाओगे। तार देखो भाई, तो मतलब पिछले कब से यहाँ पे आप लोग? बहुत साल हो गया। धारावी की हर एक घर पे आप एसी पाओगे, मैंने बोला ना यहाँ। ये कट गया, ये देखिए भाई, भैया का हाथ जो है इस पंखे से जा चुका है। यहाँ पे छोटा सा इनका बाथरूम बना, यहीं पे नहाते ना भैया, नहाना धोना यहीं पे होता है, यहाँ पे नहाना धोना होता है भैया का। ये पूरा फैक्ट्री रिसर्ट वगैरह बनती है इधर, देखो कैसे रह रही है यहाँ पे, देखो पटरियों में और कितना कूड़ा करकट है, पड़ती नहीं पड़ती, और पटरियों में देखो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, देखो 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 ये पटरियों में कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग वीडियो। तो गाइस एक और नया दिन, एक और नया व्लॉग। तो गाइस आज हम फिर से जाने वाले हैं धारावी, वहाँ के जो रूम वगैरह हैं वहाँ कैसे होते हैं, वहाँ के जो लोग हैं कैसे वहाँ पर रहते हैं, कैसे सर्वाइव कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाने वाले हैं धारावी में जाकर। क्योंकि भाई एशिया का लार्जेस्ट स्लम एरिया है, तो मैंने कहा ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए कि बाकी वहाँ पे जो रूम रेंट हैं वो कितने के होते हैं, और लोग कैसे सर्वाइव कर पा रहे हैं वहाँ पे, रूम का जो रेंट है कैसा रूम है, और उनकी जो कीमत है वो कितनी है। चलो भाई आ जाइए, फटाफट चलते हैं और आज आपको दिखाते हैं भाई धारावी की असली सच्चाई। तो अभी गाइस यहाँ से चलते हैं फटाफट बस स्टॉप, क्योंकि भाई बस स्टॉप से हमें जाना पड़ेगा अंधेरी की। हाँ भाई चले, चलो फटाफट चलते हैं बस स्टॉप, बस स्टॉप से अंधेरी। तो गाइस आ चुकी है हमारी लोकल हाउस पे, फटाफट से बाहर आते हैं। हाँ भाई आ गई। फाइनली गाइस अभी हम लोकेशन पे आ चुके हैं, और जैसे हम लोग आते हैं ना, ये देखिए शायद यहाँ से आपको झोपड़पट्टियाँ नज़र आती हैं पूरा। तो अभी हमें चलना सीधा अंदर, यहाँ से हम लोग सीधा चलेंगे और आपको पूरा दिखाने वाला हूँ भाई धारावी की गाली सच्चाई वगैरह। चलो चलते हैं अंदर, एंट्री करते हैं। और भाई जैसे हम लोग एंट्री करते हैं ना रेलवे स्टेशन से, आपको झोपड़ियाँ, रोड रेलवे ट्रैक में जो कपड़े वगैरह फैले हुए हैं सब कुछ पूरा आपको मिल जाएगा। तो फटाफट चलते हैं अंदर, देर नहीं करते, आ जाओ। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं एशिया के लार्जेस्ट स्लम वाले एरिया, जैसे कि आप इसको तो हर वीडियो में देखा होगा भाई, धारावी का फेमस नाला। ये देखो भाई कितना खतरनाक, इतनी पॉलिथीन, इतना पॉल्यूशन, और यहाँ से इतने मच्छर पनपते ना कि मतलब यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं ना उनको इतना परेशान, इतना परेशान, इतना परेशान है। वो तो हम आज जाकर ही बात करेंगे उनसे। बाकी आप देख सकते हैं ये है धारावी का फेमस नाला गाइस, ये देखो। तो गाइस तार देख रहे हो आप, बाप रे तार कैसे हैं यार, पूरे तार पड़े हुए हैं। चलो चलते हैं भाई, देखते हैं यहाँ से निकलते हैं पहले फटाफट। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं धारावी के मेन गलियों में, जैसे कि आप देख सकते हैं इतने पतले पतले, और ये नाले देखो भाई, देख रहे हैं ये देखो, और ये साइड में सब बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, ये देखो एकदम पतली पतली गलियां यार, भाई साहब यार इतनी पतली पतली गलियां, देखो ये पतली गली। चलो इधर से चल भाई अब्दुल। ये देखो भाई एकदम तार गलियां, हमारा भाई गलियों में चल रहा, आ जाओ भाई। चलते चलते थक जाओगे, लेकिन इन गलियों को नहीं घूम पाओगे आप, खोज से जाओगे। तार देखो भाई, तार देख रहे हो, ये तार देखो, ये अम्मा बैठी हुई है। देखो गाइस कितना अंधेरा, और ऊपर देखो, और मुझे फ्लैश चलना पड़ रहा है जाने के लिए, मतलब अगर मतलब यहाँ नॉर्मल लोग की तो आदत होती है भाई पूरी, समझ रहे हैं? ये देखो सबकी आदत सी होती है भाई निकलने की, लेकिन हम लोग क्या है ना, हम लोग की आदत नहीं है। देखो इन बच्चों को खेल रहे पानी में। तो अभी गाइस पूरा एक राउंड मार के आया, मैंने आपको दिखाया कितनी पतली पतली गलियाँ हैं, और भाई लोग कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इसके अंदर, मतलब लिटरली बहुत बड़ी बात है। एकदम पतली पतली गलियां हैं जहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, फैमिली काम करती है, मतलब ये गली के अंदर ना कितने लोग काम करते हैं, पाव बनता है, चूड़ी काम होता है, बहुत सारे चीज़ों का काम होता है धारावी की झुग्गियों में, गलियों में। चलो आओ अभी और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। फाइनली गाइस अभी यहाँ से हम निकल लेते हैं, यहाँ पे आंटी की है एक चूड़ी की दुकान। आंटी आपने बताया कि 35 साल पुरानी दुकान है आपकी, 35 साल, और आपकी एज कितनी होगी? मेरी 62 साल की है। तो मतलब बहुत जमाने से आप चूड़ी कारोबार करते हैं। तो रोड पे दादा बाबाओं का धंधा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे कितने लोग क्या करेंगे, देखो अगर हम इनकी ईमानदारी पे वो लेके जा रहे हैं, अगर गलत करेंगे ऊपर वाला हमको दे देगा, हमको नहीं। हम इससे पहले भी आ चुके हैं, वहाँ आगे बनाया था हमने, कहीं पर मैं तो पहले ही बोली हमको वीडियो चाहिए ले लो, हम मुसीबत में नहीं फंसना चाहिए, तुम्हारा ईमानदारी पे है। सही सही। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं ये आंटी की दुकान है, पता भी नहीं पूछ रही, और ये इनका घर है।
पतंग देखो कितनी बड़ी पतंग है यार। तो गाइस ये जो धारा में जो एरिया है ना, इसमें 2 किलोमीटर में करीब 15 से 20 लाख लोग सर्वाइव करते हैं। इन झोपड़ियों में देखो, ये झोपड़ी, झुग्गियाँ, और मतलब ऐसा नहीं कि खाली झोपड़ियाँ, यहाँ पे लोग बड़े बड़े लोग भी रहते हैं। ऐसी हर घर में आप एसी वगैरह पाओगे, तो मतलब गरीबी नहीं है तो यहाँ के लोग गरीब हैं, गरीब नहीं है, बस लोग यहाँ पे रहते हैं, सर्वाइव करते हैं। तो गाइस देख सकते हैं, मतलब ये जितने भी घर मिलेंगे ना आपको, ये सीढ़ियाँ मिलेंगी, इस टाइप की सीढ़ियाँ ऊपर जाने के लिए, देखो। तो फाइनली गाइस देख सकते हैं, ये घर है भैया का, और ऐसा इतना छोटा सा घर है। भैया कैसे हैं, आ सकता हूँ मैं थोड़ा सा? तो भाई मतलब कहाँ से हैं आप? यूपी से आप भी हैं? यूपी में कहाँ से? लखनऊ। यहाँ पे क्या करते हैं आप? हाँ भैया, धंधा पराठा वगैरह। और ये आप क्या करते हैं? आप सेम? तो मतलब कुछ, मतलब मंथली इनकम कितना हो जाता है आपका? हो जाता है, मतलब खर्चा पानी हो जाता है। और ये मतलब ये रूम का रेंट कितना है आपका? 5,000। तो मतलब अगर हमें धारा में रूम लेना हो तो 5,000 में मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा रूम, मतलब ऐसा रूम, टाइल्स नीचे, और लेटरिन बाथरूम कहाँ जाना पड़ता है आपको? बाहर जाना पड़ता है, उसका मतलब 10 रुपये चार्ज देना पड़ता है। पानी वगैरह? पानी आता है, उसका चार्ज देना पड़ता है फ्री, लाइट बिल के साथ देता है, मतलब मकान मालिक को देना पड़ता होगा ना। तो मतलब पिछले कब से यहाँ पे आप लोग? बहुत साल हो गया, मतलब धंधा जमा जमाया है, चल लगो जा रहा। तो भाई साहब ये लखनऊ है, लखनऊ के लोग रहने वाले बहराइच के, और ऐसा कुछ रूम है, और छोटा सा पंखा लगा हुआ है देखो, मतलब खड़े होने में मतलब डर लगता होगा स्टार्टिंग में। ये कट गया, ये देखिए भाई, भैया का हाथ जो है इस पंखे से जा चुका है, छोटी सी गलती, मतलब शटर उतार रहे होंगे आप, है ना। तो भाई सोच समझ के ये होता, मुंबई के खिलाफ आसान नहीं होती, आदमी बस बोल दिया कि भाई, लेकिन देखो कितनी दिक्कतों में रहते हैं, भले धंधा जमा जमाया लेकिन दिक्कत होती है, सही है ना। तो मैंने कहा ये चीज़ भी आपको दिखानी चाहिए, देखिए यहाँ पे पूरा इनका गैस चूल्हा है, और यहाँ पे इनका इतना सामान वामान रखने के लिए, बाकी इनको लैट्रिन बाथरूम जो है बाहर जाना पड़ता है, जो बनते नहीं है सरकारी वाले, 10 रुपये दो अब जाके वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं। ओके भाई थैंक यू, आपने इतना बताया, बाकी थोड़ा संभाल के करिए भाई, जानलेवा ये। ओके थैंक यू भैया, पराठा खिलाने बाद में। ओके भाई, तो मैंने कहा भाई आपको ये चीज़ दिखाता हूँ, आराम से उठना पड़ेगा। देखो ये पंखा है, और भाई ये देखो ऐसा भाई पानी वगैरह आता है, और यहाँ पे छोटा सा इनका बाथरूम बना, यहीं पे नहाते हैं ना भैया, नहाना धोना यहीं पे होता है, यहाँ पे नहाना धोना होता है भैया का, और इतना छोटा सा रूम में खाना पीना सब कुछ इसी पे हो जाता है। चलो थैंक यू भैया। ओके तो भाई चलो यहाँ, मैं भी फतेहपुर, कानपुर के पास पड़ता है ना फतेहपुर, तो भाई लखनऊ से 120, कानपुर से 120, हाँ बस सब यूपी वाले तो है यहाँ मुंबई में लग रहा, सब यूपी वाले, जिससे पूछे कहाँ से, यूपी बिहार, यूपी बिहार, मुंबई में सब यही है ना यूपी वाले। ओके भैया थैंक यू। चलो गाइस अभी यहाँ से निकलते हैं, मैंने दिखाया भैया को, और देखो इधर पूरा फैक्ट्री है, देखो काम चल रहा है, इधर देखो पूरा काम चल रहा है ना, इधर भी देखो काम चल रहा है, ये पूरा फैक्ट्री है, शर्ट वगैरह बनती है इधर, देखो देखो इधर पूरा शर्ट बन रही है, देखो ये शर्ट बन रही है, पूरा फैक्ट्री वाला एरिया भाई। भैया इधर क्या बनता? कुछ नहीं बनता। तो भैया यहाँ पे पबजी खेल, पबजी फ्री फायर है, पबजी देखो पूरा यहाँ पे, मतलब छोटी छोटी गलियों में देखो काम हो रहा है, इधर देखो पूरा काम है। तो मैंने कहा ये चीज़ें भी आपको मैं दिखाऊंगी भाई, धारा भी एरिया मतलब गरीब वाला एरिया नहीं है, ये देखो यही बिहार घूम, अच्छा आपके दोस्त की है, तो भाई यहाँ पे खाली रखवाली कर रहे हैं सिया। ओके भाई ये देखो भाई की छोटी शॉप है यहाँ पे, तो भाई मुंबई जो धारा भी है, आप ये मैं समझो कि यहाँ पे लोग गरीब लोग रहते हैं, यहाँ के लोग अमीर हैं, पैसे वाले, हर घर में आपको एसी मिलेगी, सब कुछ मिलेगा, लेकिन बस जगह कम है ना यहाँ पे, इसलिए सर्वाइव कर रहे हैं। चलो अभी बाहर आ गए भाई हम लोग, इस धारा में कि हर एक घर पे आप एसी पाओगे, मैंने बोला ना यहाँ के लोग गरीब नहीं होते, बस क्या है ना यहाँ के मतलब घर जो है बहुत छोटे छोटे घर हैं। तो अभी गाइस फटाफट यहाँ से निकलना है, और आ चुके हैं हम लोग रेलवे स्टेशन, और देखो यहाँ पे स्कूल की छुट्टी हुई है, अभी टाइम कितना हो रहा बाबू? हाँ सुबह शाम के 4-6 बज गए, अब स्कूल की छुट्टी हुई है, और देखो सब साइड में आपको स्ट्रीट फूड मिल जाएगा, देखो पूरे में स्ट्रीट फूड वगैरह, और ये प्ले ग्राउंड है। चलो अभी चलते हैं फटाफट रेलवे स्टेशन, और यहाँ से निकलना सीधा अंधेरे के लिए, आ जाओ। बाकी बहुत चीज़ें दिखाई, और भाई का मैंने उसका घर भी दिखाया, और मतलब यार धारावी में रहना मुश्किल नहीं है, और कोई ये मत सोचे कि धारावी के लोग गरीब हैं, ना बचना, आपको घरों में एसी मिलेगी, अच्छा व्यवसाय है, सब काम धंधे वाले हैं, बस रहने के लिए जगह कम है, छोटा सा जगह है उस पर लोग रह रहे हैं। अगर आपको ये बोले कि और धारावी के लोग बहुत गरीब हैं ये वो है, तो भाई साहब धारावी में हर घर में आप ज़्यादातर एसी भी पाओगे गर्मियों में, हमारे पैसे वाले होते हैं, लेकिन बस क्या है ना मुंबई में रहने के लिए जगह बहुत कम है, और धारावी में क्या है रूम जो आपको ना 5,000 से 6,000 के बीच में मिल जाएगा, 5,000 6,000 7,000 8,000 सस्ते भी मिल जाएंगे, 4,000 में मिल जाएंगे, जैसा आप डील कर लो,
जैसा आपको फैसिलिटी चाहिए, बस लैटरिन बाथरूम की दिक्कत होती है। लैटरिन के लिए आपको जाना पड़ेगा बाहर, क्योंकि आपको 10 रुपये में नंबर लगाना पड़ेगा। तो ये था धारावी भाई। कभी अगर आपको भी रहना हो धारावी में तो 5-6 हज़ार में आपको मिल जाएगा डिपॉजिट वगैरह, शायद होता होगा डिपॉजिट वगैरह, वो मालूम नहीं, पता करना पड़ेगा मकान मालिक से। चलो अभी ये आ चुके हैं हम लोग माहिम रेलवे स्टेशन, तो फाइनली फटाफट चलते हैं, टिकट करवाते हैं, थक गया हूँ थोड़ा जीना चढ़कर। और ये देखो भाई, यहाँ की भी लाइफ देख लो, ये है माहिम रेलवे स्टेशन, ठीक है। यहाँ पे भी लोग देखो कैसे रहते हैं, देखिए पटरियों में बर्तन धुल रही हैं मैडम, ये देखो पटरियों की ज़िंदगी। इसका भी एक दिन डेडिकेटेड ब्लॉग लाने की कोशिश करूँगा। और ये जा रही है मुंबई की लोकल, देखो हर 5 मिनट में 6 मिनट में आपको ट्रेन मिल जाएगी। और ट्रेन के किनारे ये घर बसे हुए हैं, देखो धारावी, ये धारावी ये भी इलाका लगता है। और यहाँ के लोग देखिए 3 के घर बना कर रहते हैं, और भाई गर्मियों में इनकी हालत ख़राब हो जाती होगी, इतनी गर्मी पड़ती है ना, इतनी गर्मी पड़ती है कि दिमाग पागल। और ये जो मैडम देखो, इनको देखो कैसे रह रही है यहाँ पे, देखो पटरियों में, और कितना कूड़ा करकट है, पड़थीन ही पड़थीन, समझ रहे हैं। तो भाई मुंबई की जो लाइफ है वो आसान नहीं है, बाकी यहाँ पर रोज़गार ज़्यादा है आपको, अगर आपका व्यवसाय बढ़िया है तो आपको पैसा वगैरह अच्छा मिलता है। और बाकी ये देखो ट्रेन जा रही है, चलो फटाफट चलते हैं, टिकट लेते हैं, यहाँ से निकलते हैं अंधेरी। और मैंने कहा आपको दिखा देता हूँ भाई हमारी जो धारावी है वहाँ पे रूम का रेंट कितना होता है, वहाँ पे लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, गलियाँ कैसी, ये सारी चीज़ें मैंने आज आपको कवर की। तो आ जाओ फटाफट टिकट लेते हैं अंधेरी के लिए, टाइम ज़्यादा हो रहा है। चलो भाई आ जाओ रेलवे स्टेशन चलते हैं, टिकट लेते हैं। तो गाइस देख सकते हैं माहिम रेलवे स्टेशन है ये, और पटरियों में देखो कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, देखो 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 ये पटरियों में कितने सारे लोग बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, लगता है जैसे इनका घर ही ना हो भाई, सब लोग बैठे खाना खा रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है। तो भाई साहब ये है मुंबई की लाइफ, आधे ज़्यादा मुंबई तो पटरियों में है भाई, ये देखो आधे से ज़्यादा मुंबई पटरियों में। तो भाई साहब इनको क्या कहोगे आप, जो लोग आधे से ज़्यादा जो लोग पटरियों पर बैठे हुए हैं, देखो बस इनको छोड़ते हैं, ये लोग पटरी में बैठे हैं। अभी फटाफट टिकट हमने ले लिया यहाँ से अंधेरे के लिए, चलते हैं, टाइम ज़्यादा हो रहा। चलो भाई आ जाओ, कौन प्लेटफॉर्म नंबर पे आएगी, गाइस यार मुंबई में रहना मुश्किल है, लेकिन भाई यहाँ जो ट्रैवलिंग है बहुत सस्ती गाइस, चाहे वो बस हो चाहे लोकल ट्रेन हो, बस का भाई ज़्यादा से ज़्यादा 15-10 रुपये। और तुम्हारा लोकल जो ट्रेन है मुंबई की, हर 5 मिनट के अंदर आपको प्लेटफॉर्म में आएगी, कहीं भी जाओ भाई ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रुपये। तो भाई मुंबई का जो ट्रैवलिंग बहुत सस्ती है, बस आपको दिक्कत होती है बस रहने के लिए, अगर आपका रहने का रूम है ना तो भाई साहब आप पूरा जो दिन का जो खर्चा होगा ना, मुश्किल से मुश्किल 200-250 रुपये होगा, मुश्किल से 200 रुपये अगर आपका रूम है तो। अगर आप खाना बनाते हो तो और सस्ता, खाना नहीं बनाते तो 60 रुपये में आपको भरपेट खाना मिल जाएगा, उसके बाद 50 से 60 रुपये, 100 रुपये मान लो आपको ट्रैवलिंग में लग जाएगा। चलो भाई हमारी जो ट्रेन है वो जा चुकी है वीडियो बनाने चक्कर में, ये निकल पड़ी, चलो अभी वेट करना पड़ेगा प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, ये देखो चलो वेट करो, वीडियो के चक्कर में ट्रेन चली गई। कोई बात नहीं, मुंबई लोकल है, हर 5 मिनट में आपको एक ट्रेन आ जाएगी, ये देखो। चलो भाई साइड में बैठते हैं। तो फाइनली गाइस अभी हम आ चुके हैं रूम पे, और भाई पूरा आपको धारावी दिखाया, और मेन मकसद था कि भाई धारावी में जो लोग रहते हैं तो उसका जो रूम है उसका रेंट कितने का होता है मैक्सिमम मिनिमम। तो भाई साहब आपको 5 हज़ार में आराम से रूम मिल जाएगा। और भाई ऐसा नहीं कि धारावी बहुत ही गरीब लोग हैं वहाँ पे, ना 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 ना, वहाँ पे बहुत अमीर लोग रहते हैं, घरों में एसी हैं। बस मकसद ये कि भाई धारावी में क्या ना, पतली गलियाँ हैं, छोटे मकान हैं, बाकी रहते हैं वहाँ बिजनेसमैन लोग हैं, और जो भी घर बने हुए ना वहाँ पे लोग भाई पता है अंदर बिजनेस करते हैं, कहीं सिलाई काम चल रहा, कहीं कपड़े काम चल रहा, तो मतलब फैक्ट्री वाला एरिया भी है, ऐसा नहीं खाली मतलब लोग गरीब हैं जो पट्टे हैं। बस क्या दिक्कत है, वो जो नाला नहीं है उसके वजह से थोड़ा जो प्रॉब्लम आती है वो फेस करनी पड़ती है, वो नाला, क्योंकि नाला जो है ना अभी काम नहीं चालू, वो बंद है, तो इसकी वजह से लोग कहते हैं अरे यार भाई कैसा क्या है। बाकी वहाँ लोग अच्छे रहते हैं, घरों में एसी है, अपार्टमेंट टाइप के हर चीज़ मिलेगा आपको। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो, एक प्यार से कमेंट करो, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो। मुंबई से कौन कौन है और कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हो कि भाई आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। तो फाइनली फटाफट कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब ना मेरे को थोड़ा मोटिवेशन देता है, जब मोटिवेशन आता ना तो फिर भाई अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है। तो फाइनली फटाफट सब्सक्राइब, लाइक, हेट एंड शेयर कर दो भाई, ठीक है। सामने वाली खिड़की में एक चांद